एसएससी जीडी एग्जाम 2021 बहुत ही नज़दीक है दोस्तों। आइए हम लोग जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि सटीक है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग का लक्ष्य होना चाहिए एसएससी जीडी, क्योंकि इसमें 25,000 से अधिक बहाली है और लगभग 35 लाख दोस्तों 35 लाख स्टूडेंट जो है अपना भाग आजमाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 1793 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 1813 का चार्टर अधिनियम, सी है 1833 का चार्टर अधिनियम और डी हो जाएगा दोस्तों 1853 का चार्टर अधिनियम। यदि आपको आंसर पता है दोस्तों तो फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी याद कीजिए। ठीक है, मर्डेका कप का संबंध किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी फुटबॉल से। क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों तुगलक वंश के शासक हैं। बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य क्या था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, एक ही क्रम से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दमदमा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना में केंद्र तथा राज्य का अनुदान क्रमशः किस अनुपात में होता है। ऑप्शन नंबर बी याद कीजिए दोस्तों 60:40, 60:40 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है, यानी आपको बताना है इसमें से सही कौन नहीं है। ठीक है, कौन है जो मिलान सही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो मिलान सही नहीं है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से हुगुल जो है ये गलत है और बाकी सब क्या है सही है। ठीक है दोस्तों, नोट करेंगे कि जो पेरियार है दोस्तों, पेरियार जो है राष्ट्रीय उद्यान बाघ और हट्टी के लिए प्रसिद्ध है, इसके लिए बाघ और हट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य भूटान देश के साथ सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी याद की दोस्तों 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुर सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों के लिए टॉप टॉप क्वेश्चन आया हूँ दोस्तों, तो आप इसे देख सकते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र था तो उस समय शिक्षा मंत्री में कौन जो है भारत के प्रथम मंत्रिमंडल थे, आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपोर्टेंट, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन कौन है। ऑप्शन नंबर बी याद कीजिए कावेरी, उसके बाद गंगा, महानदी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है आपका। 13, मांसपेशियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी याद कीजिए दोस्तों मायोलॉजी। बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सचिंद्र नाथ सन्याल। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। दोस्तों तो जो भारत रत्न का जो डिजाइन है वह पीपल के वृक्ष की तरह, जी हाँ दोस्तों पीपल का वृक्ष की तरह बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी याद कीजिएगा। 16, प्रतिवर्ष कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों गुजरात। किस संक्रमण के कारण होता है। दोस्तों आपको पता होगा टेटनस जो है जीवाणु के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सरोद से। सप्तम परत को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। 21, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों तो जो है विश्व जनसंख्या दिवस है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण किस अनुसूची में है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए याद कीजिए प्रथम अनुसूची में तो है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इटली। फलों का पकना कैसा परिवर्तन उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों रासायनिक परिवर्तन कहलाता है फलों का पकना। किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे।
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया बेगम, बलबम इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अरबी सिक्के चलाए गए थे, उसका नाम है इल्तुतमिश, ठीक है, याद कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? ऑप्शन नंबर बी याद कीजिए दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर, ऑप्शन नंबर बी। 28, भारत में किस प्रकार की मृदा का अर्थात मिट्टी का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में यानी ईटा के निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मिट्टी का। 29, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? अपन नहीं बताना दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरसों। सरसों जो होती है खरीफ फसल होती है, ये क्या होती है, रबी फसल, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। चार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत। क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय जो पंचायती राज दिवस है वो प्रतिवर्ष जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी याद कीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट, मनरेगा योजना को पहले चरण में देश के कुल कितने जिलों में लागू किया गया था? दोस्तों मनरेगा योजना को पहले चरण में देश के कुल जो है 200 जिलों में लागू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी याद कीजिए। 34, पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? दोस्तों ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं होता है दोस्तों कौन, CO, जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों यहाँ पर अदिश राशि कौन नहीं है, विद्युत धारिता, और सदिश कौन हो जाएगा, बल आघूर्ण, बल, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब क्या है, सदिश राशियाँ हैं, ठीक है, याद कीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति नहीं बदलती है। डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन से संबंधित है। 39, निम्नलिखित में से किसके कारण कांच का रंग लाल हो जाता है? कांच का मतलब शीशा होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर याद करिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण जो है कांच का रंग लाल हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 40, अमर बेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर डी, परजीवी का। 6, पादपों में जल का परिवहन होता है? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जाइलम के द्वारा पादपों में जल का परिवहन किया जाता है। 2, पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ऑक्जेलिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर ए आती है दोस्तों। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन है? ऑप्शन नंबर डी याद कीजिए दोस्तों, अंडोरा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित खिलाड़ी मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी याद कीजिए दोस्तों, भारोत्तोलन से। 40 क्वेश्चन, पूरे शरीर में ऑक्सीजन O2 ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, लाल रक्त कणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन है? ऑप्शन नंबर ए, पेप्टाइड। ठीक है, प्रीवियस ईयर और प्लस कुछ नए क्वेश्चन दोस्तों इसमें जुड़े हुए हैं, आप इस वीडियो को 2-3 बार वाच कर लीजिए, बहुत ही कम क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है दोस्तों, आप याद कर सकते हैं, 46 है। इसी उम्र के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।